वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दाल मखनी बनाकर दिखाऊंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। जब हम बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में दाल मखनी खाते हैं तो अलग ही टेस्ट होता है, वैसी सेम मैं दाल आपको घर पर बनाकर दिखाऊंगी, जिससे कि आप लोग घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी ये काली उड़द दाल ली थी, जो रात में मैंने भिगा कर रख दी थी, इससे ये अच्छे से फूल गई है और इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। ये मैंने थोड़ा सा राजमा लिया है, ये राजमा और दाल मैंने कुकर में डाल ली है। अब मैं इसमें 4 गिलास पानी डाल देती हूँ। 1 टेबल स्पून नमक डाल देती हूँ और कुकर को बंद कर गैस पर रख देती हूँ। जब तक इसमें 5 विसिल आएंगी ना, तो उसके बाद गैस को लो टू मीडियम पर रखेंगे। दाल में 5 विसिल आ गई हैं। अब मैंने गैस को लो टू मीडियम कर दिया है, 10 मिनट के लिए ऐसे ही गैस को छोड़ देंगे। दाल फ्राई का मसाला भून लेते हैं। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर दिया है और एक पैन ले लिया है। अब मैं इसमें बटर डालती हूँ। अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, दाल मखनी में कश्मीरी लाल मिर्च का अलग ही कलर आएगा, इसलिए ये तीखी नहीं होती है ना, इससे कलर अच्छा आता है। अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने 3 टमाटो लिए थे, उसकी प्यूरी तैयार कर ली है। थोड़ी सी कसूरी मेथी थोड़ी सी ही डालनी है। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं, जब तक कि ये बटर ना छोड़ने लगे। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं, क्योंकि जब मैंने दाल बॉईल की थी ना, तब उसमें नमक डाल दिया था। अब दाल को पकते हुए 10 मिनट हो गए, मैं कुकर खोल के देख लेती हूँ कैसी हुई है दाल। ये देखिए दाल अच्छे से हो गई है, देखिए पकड़ के देख लेती हूँ। ये देखिए दाल अच्छे से हो गई है। अब मैं थोड़ा सा मैश इसको कर देती हूँ इस तरीके से। मसाला अच्छे से हो गया था, अब मैंने इसमें दाल को डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। 15 मिनट तक इसको लो टू मीडियम आंच पर पकाएंगे, क्योंकि दाल मखनी जितना पकेगी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। अब इसको पकने देती हूँ 15 मिनट के लिए। गैस को लो टू मीडियम कर देती हूँ। अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम डाल देती हूँ। इसको अच्छे से इस तरीके से मैश करते जाऊंगी, जितना मैश होगी ना दाल उतनी ही अच्छी लगेगी। होटल वगैरह में ना एकदम मैश होती है दाल। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। अब मैं इसमें बटर मिक्स कर देती हूँ। ये मैंने मार्केट का बटर लिया है, आपके पास अगर घर का फ्रेश बटर हो तो वो डाल दें, क्योंकि दाल मखनी में बटर बहुत टेस्टी लगता है। दाल मखनी देखिए बन गई है। गैस को ऑफ कर देते हैं और निकाल देते हैं। अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम डाल लेती हूँ।